नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा जिला के डलहौजी में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे ऑपरेशन लोटस के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी नाराजगी को अनदेखा किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नाजुक है और प्रदेश के लोग कांग्रेस की सरकार में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पालमपुर में कॉलेज की छात्रा पर हुए जानलेवा हमले में सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने कहा कि राज्य में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश सरकार का इन घटनाओं पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में। कानून व्यवस्था के सिलसिले में आज जिसके कारण में आप सबके बीच में पहुंचने में विलंब हुआ, पालमपुर में एक बेटी जो पढ़ाई कर रही है, एमए की पढ़ाई कर रही है, बस स्टैंड पे वहाँ पर एक युवक तेज धारदार हथियार से उन पर हमला करते हैं, 10 से ज़्यादा वार उन पर किए गए और बेटी को लहूलुहान कर दिया। जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रही हैं इस वक्त पीजीआई चंडीगढ़। वहीं आज चंबा के चौगान मैदान में भाजपा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉ. राजीव भारद्वाज के साथ ही भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।